पीटीआई ना छोड़ते तो आज कहाँ होते? पीटीआई ना छोड़ता, अगर पीटीआई में वो डिसीजंस ना बने होते जो पिछले एक साल में बने थे, तो मैं पीटीआई में ही होता। मगर जो पिछले एक साल में फैसले किए गए, आई थिंक उसके बाद माना ना मुश्किल था। अगर होते फिर कहाँ होते? पता नहीं, सो मैंने तो कभी सोचा नहीं इस बात पे, सो इसलिए आई डोंट नो मैं अगर पॉलिटिक्स कर भी रहा होता कि ना कर रहा होता। 9 मई के जो वाकयात हुए उसके बाद जो मीडिया को ब्रीफिंग्स मिली उसमें तो आपका नाम मोस्ट वांटेड शख्सियात में शामिल समझा जा रहा था, फिर ऐसा क्या किया कि आप गिरफ्तारी से भी बच गए और कोई आगे से आपके लिए जो है ना परेशानी भी नहीं बनी? मेरा नाम अभी भी केस में है और मैं शामिल तफ्तीश हूँ। अगर कोई समझ रहा है कि ओ मैंने पार्टी चेंज कर ली है तो मेरे पे केस ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेस में से पूरे गुजरना पड़ रहा है, मैंने अपना जवाब जमा करवाया हुआ है।